गुरुवार को इसराइल ने गाजा के एक स्कूल पर हवाई हमला किया। उसका कहना है कि जिस वक्त यह हमला उसने किया उस वक्त कम से कम 30 हमास के लड़ाके इस इमारत में मौजूद थे और मारे गए हैं। हालांकि हमास का यह दावा है कि इस हवाई हमले में जो इसराइल ने किया उसमें 40 लोग मारे गए हैं, जिसमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। ये स्कूल जो है वो UNRWA जो कि फिलिस्तीनी रिफ्यूजीज को देखता है वो चलाता है, यूएन की ये संस्था है। और उसका ये कहना है कि जब ये हमला हुआ उस वक्त स्कूल में कम से कम 6,000 लोगों ने शरण ली हुई थी। इसराइल कहता है कि उसने प्रेसिशन स्ट्राइक किया है हमास के लड़ाकों पर, यानी कि ऐसे हथियार का इस्तेमाल किया है जो एक लोकलाइज्ड इलाके में ही जो हमला करता है, और उसने हमास के लड़ाकों को ही निशाना बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक यूएन की किसी भी इमारत का इस्तेमाल किसी भी प्रकार के युद्ध में नहीं हो सकता है, लेकिन इसराइल कहता है कि हमास लगातार यूएन की इमारतों का, चाहे वो स्कूल हो या अस्पताल हो, उनका इस्तेमाल वो छिपने के लिए और इसराइल की फोर्सेस पर हमले के लिए करता रहा है। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब कई देश जो हैं वो इसराइल और हमास दोनों को बोल रहे हैं युद्ध विराम के लिए, शांति प्रस्ताव मानने के लिए, और इजरायली बंधक जो है इसी शांति प्रस्ताव के तहत छूटेंगे फिलिस्तीनी जो प्रिजनर्स हैं उनके बदले में। लेकिन इसराइल और हमास दोनों का ये कहना है कि ये जो प्रस्ताव जो अमेरिका ने दिया है वो उनके मन माफिक नहीं है। हालांकि इसराइल ये भी कहता है कि जब तक बातचीत होती रहेगी शांति प्रस्ताव पर तब तक ऐसा नहीं है कि वो हमले बंद कर देगा, हमले जो है वो जारी रहेंगे। तो कई देशों ने अब ये कहा है कि दोनों जो हैं ये कॉम्प्रोमाइज करें, कुछ बिंदुओं पर समझौता करें और उसके बाद ये शांति प्रस्ताव होगा, तभी शांति की ये डील होगी, ये युद्ध विराम होगा और तभी 8 महीने से चला आ रहा है ये युद्ध जो है खत्म होगा, जो इजरायली बंधक का हमास ने रखे हुए हैं वो वापस घर लौट पाएंगे। हालांकि अभी लगातार ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर इसराइल जो है वो एक लंबे युद्ध विराम के लिए, एक स्थायी शांति के लिए वो तयार होता नजर नहीं आ रहा है। उसका ये मानना है कि एक बार जब बंधक वापस लौट आए उसके बाद हमास को खत्म करने के लिए ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के पीएम है उनके ऊपर घर से भी दबाव है कि बंधकों को जल्द से जल्द वापस लाया जाए, और वो भी तब जबकि एक के बाद एक जो बंधक हैं उनके अवशेष वहां पर गाजा में मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत मुश्किल स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस बीच ये भी है कि एयर स्ट्राइक्स चल रहे हैं लगातार गाजा में और उसमें आम नागरिक भी मारे जा रहे हैं। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।